चैप्टर का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पूरा हार्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पर हार्ट से स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पर लिवर के बारे में कुछ बातें जानेंगे, है ना। लिवर यहाँ पर एक डायग्राम है, जैसे ये माउथ, ये नोज हो जाएगा। नोज के बाद क्या है आपका, ईसोफेगस है। ईसोफेगस का हमने क्या कहा भाई, फूड पाइप का। फिर यहाँ पर डायफ्राम रहता है, यहाँ पर आपका स्टमक है, यहाँ पर आपका है लिवर। और स्टमक की बात करें तो स्टमक में भोजन कितना स्टोर रहता है, 4 to 5 hours, 4 to 5 घंटे स्टोर रहता है। इसके बाद लिवर, लिवर क्या होता है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है आपका, लिवर। इसका वेट पता है 1.5 kg, इट्स वेट 1.5 kg, 1.5 किलो वेट इसका। लेकिन क्या होता है कि जो पर्सन शराब पीता है, मतलब एल्कोहल का यूज करता है, तो उसका ये थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। पता चला उसने शराब पी तो यहाँ पर उसका 2 kg तक हो गया, कितना 2 kg, तो उसका वेट बढ़ जाता है। और जो शराब पीता है तो उसको सिरोसिस होता है, क्या होता है, सिरोसिस, है ना। इसी को बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस क्या है, जो शराब पीने से बीमारी होती है, क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है इसका लिवर का। तो अब बात यह आती है शराब की लत कैसे लगती है, है ना। हेलो, हाउ टू एडिक्ट ऑफ पर्संस दैट टेक ऑफ एल्कोहल एट द डेली लाइफ। उसने अपनी डेली लाइफ में एल्कोहल को टेक करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको कैसे लत लगी इसके बारे में जानते हैं। तो होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्रेन होता है, और ब्रेन के आपके 3 पोर्शन है, कौन कौन से होते हैं आपके, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हाइंडब्रेन। आपका फोरब्रेन हो जाएगा, मिडब्रेन हो जाएगा और हाइंडब्रेन हो जाएगा। फोरब्रेन की बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हिंडब्रेन की बात करते हैं यहाँ पर सेरेब्रम होता है, पॉन्च होता है और मेडुला होता है। तो यहाँ पर एक रीजन रहता है आपका क्या, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, और हार्मोन्स का नाम क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो होता है कि जब पर्सन ने पहली बार शराब को यूज किया, पहले कोई व्यक्ति जैसे इसकी बात करें, चलो एक हमने पर्सन ले लिया और इसका नाम है टिंकू, है ना। दिस इज अ टिंकू, दिस इज माय फेवरेट स्टूडेंट, बट क्या करे बता था, है ना। और एक और पर्सन लेते हैं तो यहाँ पर इसका नाम हो गया रिंकू, तो दोनों पर्सन टिंकू, इसका नाम क्या हो गया, टिंकू, और इसका नाम क्या हो गया रिंकू, है ना। अब देखो इन्होंने कभी शराब पी नहीं, लेकिन ये टिंकू पी रहा था और रिंकू कभी नहीं पी रहा था। टिंकू ने कहा कि चलो आज शराब पीते हैं, तो मतलब इसने थोड़ा सा शराब इसको दिया रिंकू को। अब रिंकू ने तो कभी शराब पी नहीं, लेकिन इसने जबरदस्ती किया भाई, एक बार पीने से कुछ नहीं होगा। तो उसने सपोज दैट जबरदस्ती मतलब इसने की, तो उसने पी लिया शराब को। अब क्या हो, जब ये शराब पहली बार पिएगा तो इसके अंदर जब शराब जाएगी उसमें केमिकल्स डाइस हो तो उसका, तो फिर कुछ भी खाते, चाहे टैबलेट खाते हैं, चाहे खाना खाते हैं, सब पर डाइजेशन होता है, इसका भी डाइजेशन होगा, है ना। तो ये आज इसके जो केमिकल्स रहेंगे तो यहाँ पर जो मैसेज आएगा वहाँ पर हमारे लिवर में, और लिवर में क्या होते हैं रिसेप्टर बनने लगते हैं। हमने पहली बार शराब किया तो आपका रिसेप्टर बन जाएगा, थोड़ा सा बन जाएगा, छोटा सा। इसके बाद अब ये फिर 2 महीने बाद फिर से मिला, तो इसने फिर से कहा, क्योंकि फ्रेंड के साथ तो वैसे भी शराब नहीं पीता था, तो इसने कहा कि यार फिर से शराब पी लिया। तो रिंकू ने कहा कि यार मैं तो पीते ही नहीं, तो इसको ध्यान आया नहीं यार एक बार तो पी ली थी, उससे तो कुछ कोई नहीं था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है शराब पी लेते हैं, तो उसने दोबारा से शराब पी ली, तो फिर से रिसेप्टर बन गया, फिर से थोड़ा सा रिसेप्टर बन गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये करता गया, पहले ये 1-2 महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे इसकी लत लग गई, और नॉर्मली अब 4 महीने में इसको हो गया शराब पी ली। तो जैसे वो मार्केट से जाएगा, मार्केट से पता चला टिंकू रिंकू मार्केट से जा रहा था, और जैसे उसको मंदिर दिखा तो गाड़ी अपने आप रुक गई, है ना। मंदिर गए तो शराब, है ना, जैसे ही वहां पर लिखा है देसी शराब यहाँ पर मिलती है ना। तो जैसे ही वहां पर देखा उसने देसी शराब मिलती है, तो बस गाड़ी वहां पर रुक जाएगी, और जेब में जाकर पैसे है कि नहीं। तो ये मैसेज उसने नहीं, ये मैसेज हमारे ब्रेन ने किया कि भाई शराब पीना है, क्योंकि ये केमिकल रिसेप्टर है ना, ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं, और ये आपसे कह रहे हैं आपको शराब पीना है। तो आपने क्या किया, आपने मन को मान लिया और उसकी बात मान ली, और आपने शराब को ले लिया, मतलब ये शराब को ये फिर से रिसेप्टर बढ़ गया। तो पहले आप 1 महीने में, फिर धीरे धीरे रिसेप्टर का साइज 15 दिन में फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, और ऐसे ऐसे आपके एक दिन ऐसे भी सुबह से आप उठते आपको शराब चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं जिनको सुबह से उठते जैसे इन्होंने ब्रश किया, पता चले ब्रश की वहीं पर शराब की दुकान पर करते हैं, वहीं पर जाके ब्रश करेंगे लोग, है ना। तो ऐसे हैबिट बन जाती है, तो हैबिट आप नहीं बनाते हो, हैबिट कौन बनाता है, केमिकल्स। अपन ने तो एक बार शराब को लिया, इसके बाद हमारी बॉडी में केमिकल्स बन जाएंगे और
करना है। ये केमिकल्स बन चुके होते हैं। अब आप कोई बताओ इन केमिकल्स को बनने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 5-6 महीने लग गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका कोई ऐसा डॉक्टर है कि बोलेगा कि एक दिन हम आपको केमिकल दे, दूसरे दिन हमें शराब गायब कर डॉक्टर के पास जाओगे शराब का इलाज कराने के लिए, एल्कोहल को अपन को रिमूव कराना है, तो डॉक्टर बोले भाई टैबलेट भी लेते रहना और शराब को भी पीते रहना, ऐसा बोलता है डॉक्टर। क्योंकि उसको पता है इसको मना कर इसको मानना तो है नहीं, क्यों? क्योंकि आपके रिसेप्टर बने हैं, तो रिसेप्टर बनने में जब 6 मंथ लगा आपको समझा, जब रिसेप्टर बनने में कितना मंथ लगा भाई? 6 मंथ। तो भाई रिसेप्टर डिसीज डिस्ट्रॉय करने में टाइम लगेगा कि नहीं? तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या दिया भाई? टैबलेट। इसने क्या दिया? टैबलेट। क्योंकि टैबलेट रहेंगे तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे इस रिसेप्टर को तोड़ेगी, ऐसे तोड़ेगी, ये ऐसे तोड़ेगी, और इसको कम से कम 5-6 महीने का टाइम लग जाएगा और ये शराब को पीता रहेगा। तो कोई भी दुनिया का ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आप शराब ही तो बोल रहे हैं बोले मैं अपनी शराब रिमूव करवा देंगे, छोड़वा देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर तो बनने में कितना टाइम लगा? बहुत ज़्यादा। तो इसको डिस्ट्रॉय होने में भी टाइम लगेगा। जैसे अगर हम एक डिसीज पढ़ते हैं उसका नाम है एम्फाइसीमा, बता दिया इसका जो चैप्टर था एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा क्या होता है, किससे होता है, जल्दी से बताओ। ये होता है मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स यहाँ पर लंग्स नहीं, तो लंग्स में क्या होता है, ये ब्रोंकाय होते हैं और यहाँ पर एक एल्वेओलाय होते हैं। क्या होता है आपका? एल्वेओलाय। तो यहाँ पर एल्वेओलाय की जो बॉल होती है उसी को बोलते हैं एल्वेओलाय बॉल, एल्वेओलाय बॉल। तो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, जो आपकी एल्वेओलाय होता है यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाएगी मतलब खराब हो जाएगी आपके एल्वेओलाय, और खराब हो जाएगी तो इस वजह से जो हम सांस लेते हैं ये प्रॉपरली नहीं ले पाते, और आपका जो एल्वेओलाय का जो एरियल रेट क्या होता है डिक्रीज जाता है, और डिक्रीज हो रहा है इसी को बोलते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर बाय द मीडियम ऑफ सिगरेट एंड स्मोकिंग। तो इसकी वजह से हमको लंग्स में खराबी आ जाती है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते। अस्थमा की बात करें तो वो भी यही है भाई, डिफिकल्टी टू ब्रीथ, हमको सांस लेने में क्या डिफिकल्टी, उसमें ब्रोंकाइटिस वगैरह होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एक और होता है आपका ओआईडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसा यही कहता है कि इसमें जो डस्ट स्टोन रहती है, जो स्टोन ग्राइंडिंग होता है ना, जहाँ पर पत्थर को पीसा जाता है तो उससे डस्ट निकलती है, तो डस्ट इज द लाइफ ऑफ वन सेकेंड। अगर हम बाजार गए और हमने डस्ट को इनहेल किया तो एक या तो एक सिगरेट पी लेते हैं और या डस्ट को लेते हैं, दोनों ही बराबर है। तो कोई इंसान बोलेगा कि सर हमने तो कभी सिगरेट पी नहीं, फिर भी हमको लंग कैंसर हो गया। तो इसका रीजन ये कि वो डस्ट को पार्टिकल को ले रहा है, वो जो सिगरेट पर्सन पीता है। तो इसमें क्या जो सीलिया रहती है ना अपने इनसाइड, तो सीलिया को ये सिगरेट क्या करती है, जला देती है। तो ये सीलिया जल जाते हैं तो इस वजह से डस्ट पार्टिकल हमारे डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, और इसकी वजह से हमको लंग्स रिलेटेड जितनी बीमारी होती है हो जाती है। तो ये था आपका टॉपिक, तो समझ में आया? तो ऐसे लग, हाँ।